नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन एजुकेशन में। आज हम जानेंगे सिफिक्सिम एंटीबायोटिक के बारे में। सिफिक्सिम एंटीबायोटिक के यूज क्या है, इसकी डोज क्या लेनी चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन इसका यूज कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें और अभी तक आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे और दवा की जो सही जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक हम उसको बोलते हैं जब व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में या उस बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस दवा का यूज लिया जाता है उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब जान लेते हैं सिफिक्सिम जो एंटीबायोटिक है उसको क्या क्या यूज है। एक तो सिफिक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो सिफिलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है और ये थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक है। इसके यूज जैसे इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, ईयर की अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें भी यूज कर सकते हैं, यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, बाइलरी ट्रैक इन्फेक्शन में कर सकते हैं, गोनोरिया एक डिजीज होती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हैं, उसमें भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। और सिफिक्सिम एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज लिया जा सकता है। जैसे किसी को अगर टाइफाइड है तो उसके अंदर इस दवा का यूज कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर किसी प्रकार का आपको गले में दर्द है या गले में टॉन्सिलाइटिस हो गई है या सूजन हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो उसमें भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर जैसे हम नमूनिया हो गया किसी को या ब्रोंकाइटिस हो गया है जिसके अंदर फेफड़ों में सूजन आ जाती है, और जैसे नमूनिया के अंदर कफ जम जाता है और वहाँ भी फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है और थका थका महसूस करता है आदमी और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, तब भी सिफिक्सिम एंटीबायोटिक का हम यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ईयर प्रॉब्लम। ईयर प्रॉब्लम के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ईयर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है या किसी प्रकार की कोई मवाद टाइप का कुछ आ रहा है तो या फिर स्वेलिंग हो गई है तो इस सिफिक्सिम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। यूटीआई के इन्फेक्शन में अगर किसी प्रकार का पेशाब करने में अगर व्यक्ति को दर्द हो रहा है या यूरिन पास करते हुए वहाँ पे पेन हो रहा है या फिर उनके पेशाब अगर रुक रुक के आ रहा है तभी इस दवा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में गोनोरिया जो एसटीडी जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज अगर किसी महिला को आ रहे हैं या फिर पुरुष को अगर टेस्टिस में अगर किसी प्रकार की स्वेलिंग हो गई है तभी इस दवा का यूज कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के ऊपर ये सिफिक्सिम एंटीबायोटिक दवा काम करती है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इस दवा की कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, उसके बाद में आपको सर में दर्द भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोक्जिया हो सकता है, डिजीनेस चक्कर जैसे आ सकते हैं और स्किन के ऊपर दाने दाने हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है कुछ। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे तो इस दवा का यूज़ आप तुरंत ही रोकें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब आगे जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। सिफिक्सिम एंटीबायोटिक की एडल्ट में जो डोज है वो 200 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह और 200 मिलीग्राम की टेबलेट एक शाम को ले सकते हैं। और बच्चों में जो इसकी डोज दी जाती है वो इसका जो सिरप का मैं पार्ट बनाऊंगा अभी उसके अंदर मैं आपको बच्चों की कितनी डोज दी जा सकती है, बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है उसमें, वो सारी डिटेल उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको इस वीडियो में थोड़ा सिंपल बता देता हूँ कि 10 मिलीग्राम की टेबलेट पर केजी पर डे आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको पर डे अगर पूरे दिन में कितनी दवाई दे सकते हैं आप सिफिक्सिम की, उसको 100 मिलीग्राम की दवाई सिफिक्सिम एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं, तो उसको भी दो भाग में आप डिवाइड करके दे सकते हैं, 50 mg सुबह और 50 mg शाम को। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो जो मैं सिरप का इस जो मेरा पार्ट है बनाया है मैंने उसके अंदर आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब जान लेते हैं कि ये प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ कर सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में सिफिक्सिम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ मेडिसिन मानी जाती है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दवा की जो जानकारी है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट और एकदम सही जानकारी आपको इस चैनल पे मिल सके। धन्यवाद।